इमरान खान ने एक बार फिर अपने बयान से पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है। लगातार भारत की तारीफ करते आ रहे इमरान खान का अब मोदी प्रेम जाग गया है। इमरान खान ने अचानक पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। अब भारत और पीएम मोदी की तारीफ के पीछे इमरान खान की जो भी रणनीति हो, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को बड़ी दुविधा में डाल दिया है। पाकिस्तान के लोग भी अब सोच रहे हैं कि भारत हमारा दुश्मन है या फिर सबसे अच्छा दोस्त। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उन सभी नेताओं से मिल रहे हैं जो इमरान खान से नफरत करते हैं। अब चाहे वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हो या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, लेकिन इमरान खान ने शहबाज शरीफ को घेरने का अलग ही प्लान बना रखा था। इमरान खान ने एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर दी। इस रैली में इमरान खान ने कहा कि नरेंद्र मोदी की देश से बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के नेताओं की दूसरे देशों में करोड़ों की संपत्ति है। इमरान खान ने अपने ही देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोसते हुए कहा कि हमारे पीएम की विदेशों में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी और करोड़ों का कारोबार है। इमरान खान ने लोगों से कहा कि मुझे एक देश का नाम बता दें जहां लोकतंत्र हो और उसके प्रधानमंत्री के पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी देश से बाहर हो। आपको बता दें कि इमरान खान लगातार भारत की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ही महीने पहले कहा था कि भारत हमारे साथ ही आजाद हुआ था, भारत एक खुददार कौम है, किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वो भारत को चला सके। इमरान खान यही नहीं रुके थे, उन्होंने कहा कि भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। भारत रूस पर प्रतिबंधों के बावजूद उससे तेल खरीदता है। मजे की बात देखिए कि इमरान खान अपनी रैलियों में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सुनवाते हैं, भारतीय सेना की तारीफ करते हैं, मानो इमरान खान के लिए सबसे प्यारा देश भारत ही है। लेकिन यहां आपको एक बात बता दें कि भारत और पीएम मोदी की तारीफ करना इमरान खान की एक चाल है। इस चाल से वो शहबाज शरीफ को फंसाना चाहते हैं, उनकी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जब इमरान खान खुद प्रधानमंत्री थे तब तो वो भारत के खिलाफ जहर उगलते थे, कश्मीर का एजेंडा चलाते थे, भारत पर आतंकी हमले कराते थे।